ओके, सो आई एम ऑडिबल एवरीवन। हाय जॉर्ज, हाय शशि, हाय अनुज, हाय अर्जुन। ओके, सो हाय मोक्षा, थैंक्स थैंक्स फॉर टेलिंग मी। जस्ट लाइक दिस स्ट्रीम, दैट विल बी ग्रेट। सो दिस इज लेट्स क्रैक यूपीएससी एंड आई एम श्वतांक। व्हाट वी गोना डू टुडे इज वी गोना डिस्कस क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखो, इलेक्शन का रिजल्ट सबको पता है ऑलरेडी, एवरी वन इज न्यू कि दैट एनडीए हैज़ वॉन द इलेक्शन। ठीक है, एनडीए लेड बाई बीजेपी हैज़ वॉन द इलेक्शन, और साथ में द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी इज़ आरजेडी, बट दे आर नॉट इन पावर। सो अब उसके बाद काफ़ी सारी डिफिकल्टीज वहाँ के इलेक्शन में होने वाली हैं, दैट विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम टुमारो, बिकॉज अभी लोग इलेक्शन कमीशन पहुँचे हैं और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस होना शुरू हुई हैं। सो आज की क्लास में पहले हम ख़त्म करते हैं कुछ और जो चीज़ें हुई हैं इंपॉर्टेंट वो सारी। ठीक है, सो दैट इज़ द होल आइडिया, बिकॉज एनडीए इलेक्शन और बिहार की पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग विच विल डायरेक्टली कम इन टू एग्जामिनेशन। ओके, वेन एवर दे विल मूव इन टू इलेक्शन कमीशन फॉर सेइंग कि भाई वोटर परसेंटेज कितने कम होते हैं और कितने नहीं, सो दैट इज समथिंग वी विल कम टू डिस्कस। एंड जस्ट रिमाइंड मी बिफोर एंडिंग द क्लास, आई विल टेल यू दैट वॉट इज एग्जैक्टली द पॉइंट जिसके पहले या जिसके बाद में रिकाउंट कराया जाता है। ओके, सो इफ एनी वन, ओके, सो दैट्स द प्लान। सो स्टेट ऑफ द पॉलिटी, आई एम श्वतांक, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है, पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि बोलीविया में क्या हुआ। देखिए, बोलीविया की क्लास मैंने एक दिन और आपके लिए ली थी और मैंने आपको समझाया था वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे, ट्राइबल नेटिव प्रेसिडेंट थे बोलीविया के, इवो मोरालिस, ही वॉज लीव हिज कंट्री एंड फर्स्ट गो टू मेक्सिको और फिर अर्जेंटीना। सो वापस बोलीविया वापस आ गए हैं अर्जेंटीना से, तो वो पूरी स्टोरी समझेंगे कि क्या हुआ। आर्मेनिया और अजरबैजान जो पूरे सितंबर से इतना सारा शोर मचा हुआ है, हुआ क्या, वो एक तरीके से वहाँ पीस डील साइन हो गई, और ये सीज फायर वाली डील नहीं है, ये फाइनल पीस डील है, क्योंकि अजरबैजान हैज़ वॉन द वॉर और आर्मेनिया हैज़ एक्सेप्टेड सीज फायर। ठीक है, सो अब उसके क्या टर्म्स हैं, क्या बोला गया है, रशिया का क्या इन्वॉल्वमेंट है, टर्की का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या पूरी कहानी है, पूरी कहानी आई एक्सप्लेन यू, एंड दैट्स वाई आई केप्ट द इंडेक्स स्मॉल टुडे। ठीक है, निज़ाम का फंड केस है। निज़ाम कौन, वही अजफ। ठीक है, निज़ाम सेवेंथ जो हैदराबाद के लास्ट निज़ाम थे, ठीक है, अशफ जाह सेवेंथ, उनकी पूरी स्टोरी, और साथ ही साथ उनका एक केस था $1 मिलियन का, जो बाद में बढ़ के 305 करोड़ रुपए हो गया। सो विल डिस्कस इट कि क्या हुआ क्यों हुआ, और लास्ट ईयर इस बोला तो गया था पाकिस्तान से कि इंडिया को मैं वैसे वापस कर दूँ, लेकिन अभी डिफिकल्टी क्या हो रही है। सो विल लुक इन टू दीज थ्री थिंग्स, और उसके बाद हम देखेंगे दो एडिटोरियल। एक सी राजमोहन ने लिखा है, अ नैरो फोकस ऑन बायलैटरल ट्राइज प्रोड्यूसेस अ शैलो इंडियन डिबेट ऑन अमेरिका। द प्रॉब्लम है इसकी बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्रंप का साइड ले रही थी, बाइडेन अपोज हो जाएंगे इंडिया के। सो इस पे सी राजमोहन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। और दूसरा, रमिन जहां बिगुलो ने एक आर्टिकल लिखा है, देखो उन्होंने वापस से फ्रीडम ऑफ स्पीच पर लिखा है, ये आर्टिकल इज समथिंग विच इज़ फॉर यू टू रीड अगेन एंड अगेन, बिकॉज इसमें आप, ये वैसे आर्टिकल्स हैं जिसपे आपको बहुत सारे पॉइंटर्स मिल जाएंगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। ओके, उन्होंने वोल्टायर का एग्जाम्पल लेके, वही वोल्टायर जो फ्रेंच सटायरिस थे, ठीक है, 18th सेंचुरी में, उनका एग्जाम्पल लेके लिखा है कि किस तरीके से, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोपोगेट करना चाहिए, उसके लिए क्या स्टांस लेने चाहिए। सो विल डिस्कस इट अ बिट, बट आई विल सजेस्ट कि आप इस आर्टिकल को दोबारा से खुद भी रिवाइज करें। चलो, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, एंड दोज हु डोंट नो मी, दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी, यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड गो थ्रू इट। ठीक है, नीचे एक लिंक है एट श्वतांग पांडे 9309, उस पर जाएँ, उसको फॉलो कर लें, जिससे आपको सारी क्लासेस की अपडेट्स मिल जाएँ। नीचे टेलीग्राम लिंक है unacademy_श्वतांक, उसको ज्वाइन कर लें, बिकॉज क्लास के बाद आई विल बी अपलोडिंग द PDFs देयर फॉर यू टू रिवाइज इट। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग अनुराधा। ओके, समझो अब, लेट्स ऑल्सो टॉक अ बिट अबाउट अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी इज गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट। सो देखो यार, सीधी सी बात है, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ओके, मेक श्योर यू यूज अनअकैडमीज प्लेटफॉर्म। ओके, द सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल, एंड इफ यू हैवन टेकन द सब्सक्रिप्शन येट, मेक श्योर यू टेक इट, यू टेक इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप, वॉट एवर सूट यू बेटर, 1 year, 2 year, or 3 years, टेक अकॉर्डिंगली द सब्सक्रिप्शनशिप। फाइन, द प्राइसेज आर इन फ्रंट ऑफ यू, यूज द कोड SPYT, 10% रिडक्शन विल बी देयर इन द प्राइसेज। ठीक है, EMI ऑप्शंस यू कैन यूज अकॉर्डिंगली। फाइन, चलो, सो वापस डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबको पता है कि बोलीविया क्या है, बोलीविया है साउथ अमेरिका में एक कंट्री। ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे, इवो मोरालिस। ओके,
अब ये पूरी कहानी मैं ऑलरेडी अक्टूबर 21 की क्लास में बता चुका हूँ आपको, ठीक है, जो डीना वाली क्लासेस होती थी 7:45 पे इन द मॉर्निंग, ओके। सो इवो मोरालिस की जो पूरी बोलिविया है, ठीक है, बोलिविया से इवो मोरालिस लेफ्ट लास्ट ईयर अंडर द प्रेशर फ्रॉम द ऑपोजिशन, ठीक है। इवो मोरालिस की भी कुछ गलतियाँ थी, ही अगेन एंड अगेन ही वॉज, उनको एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम कराया उन्होंने कि वो अपने टर्म्स बढ़वा सकते हैं कि नहीं, वो रेफरेंडम वो हार गए। इसके बाद भी उन्होंने अपने अपने टर्म को बढ़ाने की कोशिश की यूजिंग सुप्रीम कोर्ट, और दैट्स वाई द ऑपोजिशन एक्चुअली फोर्स्ड हिम टू लीव बोलिविया। अब उनके पास बहुत सारे करप्शन के केसेस भी लगे थे, काम वो सबसे पहले वो गए मैक्सिको, लेकिन बट एट द एंड ऑफ द डे देखो बोलिविया का भी एक स्पेनिश कॉलोनियल पास्ट है, ठीक है, और कॉलोनियल पास्ट होने की वजह से इवो मोरालिस जो नेटिव हैं, ठीक है, वो कोई यूरोपियन इमिग्रेंट नहीं है, ठीक है, और ये बहुत मैटर करता था बोलिविया के लोगों को। सो इवन दो इवो मोरालिस को फोर्स किया गया गवर्नमेंट ने कि वहाँ से वो छोड़ के चले जाएँ, स्टिल इवो मोरालिस की पार्टी जो थी वो एक्टिव थी, और लुइस आरके, ओके, लुइस आरके जो थे वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। नाउ इस साल इलेक्शन होने थे एंड उनके जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर इकोनॉमी मिनिस्टर थे वो इलेक्शन जीत गए थे। दिस इज ऑल्सो समथिंग विच वॉज टोल्ड टू यू ऑन 21st, फाइन। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड आफ्टर 21st अक्टूबर दैट इवो मोरालिस विल बी कमिंग बैक टू बोलिविया, ओके, बट नाउ इवो मोरालिस हैज केम बैक टू बोलिविया एंड ही इज नाउ रोमिंग अराउंड होल कंट्री, ओके, ही केम यस्टरडे, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ लुइस आर्से व्हेन ही वॉज टेकिंग द ओथ ऑन 22nd, ओके। सो एक बार ये पूरी चीज देख लीजिए कि क्या हुआ था, रिवाइज करने के लिए देखो ये बोलिविया की पोजीशनिंग है, ठीक है, मैप में साउथ अमेरिका में। ये आपकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे मास पार्टी के लुइस आर्के, ठीक है, इनको मोरालिस ने खुद सेलेक्ट किया था, उन्होंने प्रेसिडेंट कार्लोस मीसा को हराया एंड शी कंसीडर्ड डिफीट, ओके। एग्जिट पोल क्या कह रहे थे, एग्जिट पोल भी यही कह रहे थे कि भाई क्योंकि ऑपोजिशन को यूएस बैक कर रहा था सो कुछ भी हो सकता है, बट मैस जो है जो इवो मोरालिस की पार्टी है उन्होंने 20% वोट से इलेक्शन जीत लिया था, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ये कुछ डिटेल्स हैं बोलिविया के बारे में विच वॉज ऑल्सो गिवन टू यू इन द लास्ट क्लास, ठीक है। ये 2019 के नवंबर की बात है जब इवो मोरालिस वॉज फोर्स्ड बाई द कांग्रेस, जब वहाँ की सेनेटर जो थी जीन अनीज ने खुद को डिक्लेयर कर लिया था इंटरिम प्रेसिडेंट, ओके, एंड इवो मोरालिस वॉज फोर्स्ड टू लीव, ओके। अब देखो ये जो ये क्या है, कुछ चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो वापस से। दिस इज द पिक्चर जब इवो मोरालिस कहाँ पहुँचे थे, मैक्सिको, फाइन। दिस इज अ पिक्चर व्हेन इवो मोरालिस लैंडेड इन मैक्सिको। सो ही वॉज द फर्स्ट बोलिवियन प्रेसिडेंट जो इंडिजीनियस मेजोरिटी के साथ पावर में आए थे, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ही कैरीड आउट अ रेडिकल प्रोग्राम आफ्टर विनिंग पावर इन 2005 एम्ड एट एड्रेसिंग एक्सट्रीम सोशल डिविजन एंड इनइक्वालिटीज एट द सेम टाइम, फाइन। His supporters who have a majority in Congress do not recognize any's interim president. Morales को return के लिए वो बार बार कहते रह रहे थे, ठीक है। So finally Evo Morales has came back. This is some information जिससे आपको बोलीविया की timeline के बारे में पता चल जाएगा। सारी चीज़ें इसमें से आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 1538 में जैसे इंडिया को यूरोपियन से कब ढूंढा, 1498 में वास्को डी गामा में, वैसे ही स्पेन को पहली बार कॉन्कर करने चले गए स्पेनिश, सॉरी बोलिविया को कॉन्कर करने चले गए 1538 में स्पेनिश, ओके। 1824 आते आते वेनेजुएलन फ्रीडम फाइटर जो थे सिमोन बोलिवार ने बोलिविया उन्हीं के नाम पर रखा गया और उसको लिबरेट करा दिया था स्पेनिश रूल से, ठीक है। इसके बाद से जो गवर्नमेंट बनी उस गवर्नमेंट को 1952 में फार्मर्स पेजेंट्स माइनर्स सबने मिलकर ओवरथ्रो कर दिया और एक सोशलिस्ट रिजीम बना दी। 1970 में यहाँ एक डिक्टेटरशिप आ गई, ठीक है। डिक्टेटरशिप क्यों आई, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ इन्वॉल्व हो गई, ह्यूगो बेंजर यहाँ के नए डिक्टेटर बन गए, और 2003 में फाइनली सोशलिस्ट गवर्नमेंट वापस आई जब इवो मोरालिस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए, ठीक है। 2006 में बोलिविया में नेशनलिज्म का पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ और फॉरेन कंट्रीज़ की जो कंपनीज हैं उनको वहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको पता है कि लेड मिलना शुरू हो गया, जिससे आप ठीक है यहाँ से आपको इन्वॉल्व जब नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज वापस हुई, यहाँ पर डिफ़िकल्टीज आना शुरू हुई, और साथ ही साथ इवो मोरालिस की खुद की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जिसकी वजह से ये पूरी डिस्प्यूट क्रिएट हुआ 2019 का, व्हेन ही वाज लेफ्ट लीव ही वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री,
नाउ ही हैज कम बैक फाइनली. तो पूरा जो एक सर्कल था वो कंप्लीट हो गया है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी मच दैट ईदर विद इन 6 or 8 months और एटलीस्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन इवो मोरालेस विल अगेन बिकेम द प्रेसिडेंट. फाइन, सो दैट्स द होल थिंग. या अर्जुन इज आस्किंग इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं बोलीविया के साथ. देखो, इंडिया के रिलेशंस बोलीविया के साथ अच्छे हैं, खराब नहीं है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी नहीं है. ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंस भी नहीं है, क्योंकि बोलीविया इज जस्ट इन द टोटली अदर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है तो उनसे कनेक्टिविटी मुश्किल है. बट क्योंकि इवो मोरालेस खुद एक ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं बोलीविया के, और एथनिकल जो साउथ साउथ कोलैबोरेशन है उसके थ्रू इंडिया के रिलेशंस ओवर द पीरियड बोलीविया के साथ अच्छे रहे. ट्रेडिंग रिलेशंस एक्सेप्शनल नहीं है इंडिया और बोलीविया के, एंड दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस. एंड ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जो कि बोलीविया और इंडिया के ट्रेड को ओवरऑल डेवलप कर सके. ठीक है, चलो अब ये एक बात होगी. अब हम दूसरी न्यूज़ की जो आज बात करेंगे, दैट इज़ आर्मेनिया एंड अजरबैजान रशिया साइंस नगोर्नो कारबाख पीस डील. ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये पुतिन की फोटो क्यों दिखा रहे हो, अगर आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई ख़त्म हो गई है, कोई पीस डील साइन हो गई है. सो बेसिकली द रीज़न इज़ बिकॉज व्लादिमीर पुतिन केम लास्ट नाइट एंड ऑन टीवी स्क्रीन्स एंड ही इन्फॉर्म्ड आर्मेनियन एंड अजेरी पीपल ओके कि आपकी लड़ाई ख़त्म हो गई, बहुत हो गया, आप लड़ना बंद करो. एंड ऑब्वियसली ही इज़ द सुपर पावर इन द रीजन. सो साउथ कॉकस का रीजन है, आप लोगों को अभी तक मैप में देखें, ये मैप जो कल ही हमने आर्मेनिया अजरबैजान डिस्कस किया था, क्योंकि आर्मेनिया यही इसी नगरनो कारबाग के एरिया के बीच में जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी थी, ठीक है, आर्मेनियन लोगों की, उसको अजेरी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था. अब इस कैप्चर होने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी. देखो, ये वो मैप था जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, और इस मैप में एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि आर्मेनियंस आर नॉट गोइंग टू गेट बैक द एरियाज जो अजेरी आर्मी ने कैप्चर कर लिया है. ठीक है, सो अब क्या हुआ, अब व्लादिमीर पुतिन गॉट इन्वॉल्व और उन्होंने डिसाइड कराया कि एक पीस डील साइन कर लो. आर्मेनिया और अजरबैजान और रशिया तीनों ने एक पीस डील साइन की है, जिसमें ये डिसाइड किया गया है दैट एन एग्रीमेंट टू एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओवर द डिस्प्यूटेड इंक्लेव ऑफ नगरनो कारबाग. अब मैं नगरनो कारबाग की पूरी डेफिनेशन देने से पहले वापस एक बार आपको बता दूं. देखो यहाँ पे लिखा है, अजरबैजान विल होल्ड ऑन द एरियाज ऑफ नगरनो कारबाग दैट इट हैड टेकन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. आर्मेनिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू विदड्रॉ फ्रॉम सेवरल अदर एडजेसेंट एरियाज ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. सेवरल अदर्स में कितने एरियाज हैं, 7 एरियाज सराउंडिंग द एरिया जिसपे आर्मेनिया अजरबैजानी आर्मी ने कैप्चर किया है, वो आर्मेनियन आर्मी आने वाले दिनों में छोड़ देगी. ठीक है, अब मैप से पहले ये चीज़ समझ लो, फिर पूरी कहानी समझते हैं. अब देखो आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, आपके स्क्रीन पे आर्मेनिया और अजरबैजान की तो बात हो ही रही है, साथ में कुछ और चीज़ें दिख रही हैं. क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखेंगे. देखो, ये मैप हमने कल भी डिस्कस किया था, ये येलो कलर वाले जो नीचे के एरियाज हैं, ये वो एरियाज हैं जो नगरनो कारबाग के पार्ट थे, और इस पे अजेरी आर्मी यानी अजरबैजान की जो आर्मी है उस पे कैप्चर उसने कैप्चर कर लिया ये पूरे एरिया येलो वाले. ठीक है, ये अब इसके बाद क्या हुआ, ये जो शेडेड रीजन है ये अभी भी आर्मेनियन कंट्रोल्ड एरियाज हैं. अब सीज फायर होने के बाद ये देखो, ये नीचे से कनेक्टिविटी है ना, ये टर्की से डायरेक्टली कनेक्टिविटी मिल गई इस एरिया को, और साथ में अजरबैजान से इस तरफ से. सो अब क्या हुआ, इसके थ्रू 2-3 फायदे हो गए अजरबैजान के. क्या फायदे हो गए, सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि अजरबैजान की सबसे बड़ी सपोर्टर है टर्की, और टर्की और अजरबैजान के बीच में कोई भी लैंड कनेक्टिविटी नहीं थी. सो अब यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ से टर्की का बॉर्डर आता है, ठीक है, ये रही आपकी टर्की, ठीक है, यहाँ से ये देखो, ठीक है. सो यहाँ टर्की जो है वो डायरेक्टली अजरबैजान से बॉर्डर कनेक्ट हो जाएगा, पॉइंट नंबर वन. दूसरा, ये पूरा एरिया जो नीचे का है, ठीक है, ईरान बॉर्डर वाला, ये भी किसके कंट्रोल में आ गया, अजरबैजान के कंट्रोल में. ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें हुई क्यों हैं, कहानी की तरह पूरी समझ लीजिए. तो देखो, ये जो पूरा नगरनो कारबाग का एरिया है, ये ऐसा एरिया है जहाँ पे नेटिव आर्मेनियंस ही रहते थे. नेटिव कौन रहते थे, आर्मेनियंस रहते थे, लेकिन अजरबैजान के लोग जो पूरी की पूरी एरियाज हैं वो अगल बगल के एरिया में अजरबैजान की गवर्नमेंट थी. अब अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों किसके अंदर थे, सोवियत यूनियन के अंदर, और स्टालिन ने ये कहा कि फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरिटी ये पूरा एरिया अजरबैजान के कंट्रोल में होना चाहिए. तो उन्होंने इस पूरे एरिया को अजरबैजान के कंट्रोल में दे दिया, लेकिन उसके बीच में जो नगरनो कारबाख है इसमें आर्मेनियन लोग रहते थे. फाइन, इतना समझ लो.
अब ओवर द पीरियड थोड़े से अजेरी लोग भी आ गए, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन अजरबैजान के अंदर नगरनो कारबाख के अंदर किसकी थी? अर्मेनियन लोगों की। अब 1988 के बाद जब एक बार सोवियत यूनियन की स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो गई, तो अर्मेनियन जो इस पूरी नगरनो कारबाख के अंदर अर्मेनियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, उन्होंने अर्मेनिया की गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया, और तब अर्मेनियन आर्मी जो थी वो स्ट्रांग थी, और उनकी हेल्प से एक पूरी लड़ाई हुई जो 1994 तक हुई, और जिससे नगरनो कारबाख के मोस्ट ऑफ द एरियाज पे अर्मेनियन गवर्नमेंट ने अपना रूल स्टैब्लिश कर लिया। ठीक है, कैसे? यहाँ के नेटिव अर्मेनियन जो अभी तक अजरबैजान के पार्ट थे, वो अब अर्मेनिया की हेल्प से गवर्नमेंट चलाने लगे। ठीक है, 94 तक ये सारी चीज़ें हुई, और 94 में सीज फायर हो गया। अब 2020 में वापस से लड़ाई शुरू हुई, और दिस टाइम अजरबैजान वॉज फार मोर रेडी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही कुछ एरियाज पे कब्जा कर लिया जिससे कनेक्टिविटी बन गई, और उन्होंने कहा अब जाओ, अब हमने इतना एरिया हमसे आपसे निकाल लिया। ठीक है, सो दैट इज वॉट हैज हैपेंड। फाइन, अब आगे समझो। हाय कोमल, होप यू लाइक द क्लास। चलो, अब हुआ क्या है, अब अर्मेनिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है निकोल पशियान। ठीक है, ये रहा वो, और ही इज टेड की बहुत ज़्यादा ये परेशान हैं, इनसे कहा जा रहा है, इनको इनकी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं कि इनको मार दो क्योंकि इन्होंने अजरबैजान के साथ ट्रीटी साइन की है। ठीक है, नाउ ही इज सेइंग दैट व्हाई ही हैज डन इट, ही हैज डन इट अंडर द प्रेशर ऑफ द आर्मी, आर्म फोर्सेस के प्रेशर में इन्होंने ये एक्शन लिया है, नहीं तो ये एक्शन नहीं लेते। ठीक है, रशिया, रशिया जो है, रशिया से एक्सपेक्ट की गई थी कि वो आर्मेनिया का सपोर्ट करेंगे, लेकिन रशिया ने सपोर्ट करने की जगह एक काम किया, दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। रशिया एज अ मिलिट्री बेस ऑल्सो इन आर्मेनिया, तो एक लेवल के बाद टर्की और अजरबैजान को पता था कि आर्मेनिया के ऊपर वो अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज आर्मेनिया और अजरबैजान मॉस्को लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं। ठीक है, और मिन्स्क प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही, ताकि इस पूरे प्रोसेस को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, अब टीचर डील साइन क्या हुई है, बात तय क्या हुई है, तो बात यह तय हुई है यह कि फर्स्ट ऑफ ऑल जितने एरियाज अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया वो अजरबैजान, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये तय हुआ है कि सात और अगल बगल के एरियाज हैं जो कि अर्मेनियन आर्मी जो है वो अजरबैजान के बगल से खाली कर देगी, और अगले 5 साल के लिए रशिया जो है वो अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी एयरफोर्स को इस एरिया में लगाएगी एज सिक्योरिटी प्रोवाइडर, एज पीस कीपर्स। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें तय हो गई हैं जो आपको जाननी है। फाइन, चलो, सो वापस से समझ गए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या हुआ है। बेसिकली ट्रीटी साइन नहीं हुई है, ये टैंक्स जो हैं ये उस एरिया की ओर रशियन टैंक्स हैं जो नगरनो कारबाख में जा रहे हैं अगले 5 साल के लिए पीस प्रोवाइड करने। रशियन पीस कीपर हेड्स टू नगरनो कारबाख, ये लाइव फीड है दिस मॉर्निंग की। ठीक है, चलो, ये सारी न्यूज़ थी जो आपको पता चल जाना चाहिए था। अभी तक ये मैप एक बार देख लो, बहुत बड़ा नगरनो कारबाख का एरिया अभी भी जो है वो आर्मेनिया से ही कंट्रोल होगा, लेकिन नीचे का एरिया जो है वो किसने कंट्रोल कर लिया, वो कंट्रोल कर लिया किसने, अजरबैजान ने, और अब वो अजरबैजान के पास ही रहेगा। ठीक है, इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आर्मेनिया में हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अजरबैजान का आज भाई वो जीत गए। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज। चलो, इट्स गेटिंग बफर्ड, ओके, लेट मी चेक अगेन, इज इट गेटिंग बफर्ड और इट्स फाइन एवरीवन। ओके फाइन, थैंक्स, लेट्स डू दिस थिंग, ओके लेट्स कवर दिस थिंग। अगली जो न्यूज है वो क्या है, निजाम फंड केस। अब निजाम फंड केस क्या है, निजाम देखो, अब जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है वो पिक्चर है किसकी, निजाम 7th नवाब उस्मान अली खान ऑफ हैदराबाद विद जवाहरलाल नेहरू। अब हुआ क्या था, सबको पता है हैदराबाद जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था इंडिया में शामिल होने के लिए 1947 में, वो इसमें इंटरेस्टेड थे कि गोवा के थ्रू हमको पोर्ट का एक्सेस मिल जाएगा, पोर्तुगीज गवर्नमेंट से बात, एक बार पोर्ट का एक्सेस मिल जाए, ठीक है, एक बार पोर्ट का एक्सेस मिल जाए देन इट विल बी ऑल फाइन। ठीक है, अब हुआ क्या उस्मान अली खान के साथ, ये हुआ कि उस्मान अली खान के ऊपर अटैक किया गया कब, 13th of September 1948 को। ठीक है, किसने कराया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन पोलो किया। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, उस्मान अली खान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 1 मिलियन पाउंड, ठीक है, 1 मिलियन पाउंड उस्मान अली खान के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने पाकिस्तान के एम्बेसडर यूनाइटेड किंगडम में जो थे उनके अकाउंट में डाल दिए।
बिकॉज एक्सपेक्टेशन ये थी कि पता नहीं था उनको कि क्या होगा, कैसे होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे ट्रीट करेगी, ठीक है, नवाब को. तो उन्होंने 1 मिलियन पाउंड 1948 में यूनाइटेड किंगडम में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उनके अकाउंट में डाल दिए, होपिंग कि अगर भागना पड़ा तो बाद में ये पैसे काम आएंगे. ठीक है. नो ऋषिकेश, ही इज नॉट गोइंग एनी वेयर, ही माइट बी सेइंग थिंग्स, ही इज नॉट गोइंग एनी वेयर. फाइन, अब देखो क्या हुआ. अब यहां पे कहानी कैसे आगे बढ़ी कि ये जो पैसे थे ये 1 मिलियन पाउंड थे 1948 में, ठीक है, वो भी किसके पास, पाकिस्तान के एम्बेसडर के अकाउंट में. ठीक है. अब इस एक बार नवाब को ये पता चला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको एक तरीके से हैदराबाद का वापस से गवर्नर बना दिया, और बाद में तो आंध्र प्रदेश बन गया, आंध्र प्रदेश का उनको गवर्नर बना दिया. सो ही वॉन्टेड हिज मनी बैक, और उन्होंने फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट से बोला कि ये पैसे जो है ये मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने बिना मुझसे पूछे पाकिस्तान के एम्बेसडर के अकाउंट में डाल दिए थे, इस पैसे को प्लीज़ आप रोक लें. और ये फिर वहाँ एक केस शुरू हो गया. पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ये पैसे नवाब ने हमें पेमेंट की है क्योंकि हमने नवाब को हथियार बेचे थे फॉर फाइटिंग इंडिया इन 1948. ओके. अब ये केस शुरू हो गया जो केस 2019 तक चला, और 2019 में ये जो 1 मिलियन पाउंड 1948 में थे ये विद इंटरेस्ट विद प्राइस हाइक एवरीथिंग ऐड करके इन्फ्लेशन के साथ 35 मिलियन पाउंड हो गए. कहाँ पे? यूके की एक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में. ठीक है. अब ये जो यूके के पास एक 35 मिलियन पाउंड हो गए, इसको पाकिस्तान भी कह रहा था ये उनके पैसे हैं, ठीक है, और हैदराबाद के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट कह रही थी ये इनके पैसे हैं. ठीक है. सो दिस मनी वॉज नीडेड टू बी सेंट बैक, दिस मनी वॉज नीडेड टू बी सेंट बैक. सो फाइनली 2019 में डिसीजन आया कि ये पैसे जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू दिए जाएंगे, और इसमें से कुछ हिस्सा जो है वो निज़ाम सेवन उस्मान अली खान की फैमिली के लोगों को दे दिया जाएगा. सो टू प्रिंसेस, दो प्रिंस जो थे उन्होंने इसको कहा कि ये मनी शुड गो टू देयर पॉकेट्स. ओके. अब ये पैसे कितने हैं? 35 मिलियन पाउंड मतलब 305 करोड़ रुपए कुछ दिन पहले. अब प्राइस आप उसके अकॉर्डिंगली अभी आप चेक करके लगा लेंगे. ठीक है. सो पॉइंट हुआ क्या? अब आपको पहले से पता होना चाहिए उस्मान अली खान देखो टाइम्स मैगजीन के पेज पे हैं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब ही वाज द रिचेस्ट मैन इन होल वर्ल्ड. ठीक है. उस्मान अली खान ये वही हैं. सो अब हुआ क्या, ये पैसे जब 2019 में वापस आने की बात हुई 307 करोड़ रुपीज़ की, उसके बाद से इसमें हैदराबाद की जो अर्स्ट वाइल रॉयल फैमिली है उनके बीच में अभी भी इशू चल रहा है. देर आर वेरी मैनी पीपल जो बार बार ये कहते हैं कि ये पैसे सिर्फ दो प्रिंसेस को नहीं, उस्मान अली खान के सारे बच्चों में बचने चाहिए, उनकी पूरी फैमिली में, और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली अगर देखोगे तो दे विल बी मोर देन 100 पीपल जो इस 307 करोड़ रुपीज़ को क्लेम करेंगे. ठीक है. सो दैट्स द होल इशू एंड दैट्स वाई इट वॉज कमिंग इन न्यूज़, क्योंकि इसमें इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन था, दैट्स वाई आई हैव इन्फॉर्म्ड यू. अच्छा, ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में एनी वन वुड लाइक टू टेल मी कि क्यों ऑपरेशन पोलो जिसमें इंडियन फोर्सेज हैदराबाद गई थी उसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है. वॉट इज द रीजन वाई इट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन पोलो? द अटैक विच इंडिया डिड ऑन हैदराबाद ऑन 13 सितंबर 1948 उसको ऑपरेशन पोलो क्यों कहा जाता है? एनी वन? यार क्लास के लास्ट से बताता हूँ, पहले क्लास खत्म करते हैं. फाइन, ऑपरेशन पोलो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं क्यों कहा जाता है इसको. चलो अब आगे बढ़ते हैं. दो एडिटोरियल्स हैं, बारी बारी से डिस्कस करेंगे. सी राजमोहन व्हाट इज सेइंग, ये आर्टिकल मैं अपलोड कर दूंगा, यू गो थ्रू इट. ठीक है, पूरी स्लाइड्स के साथ. सी राजमोहन जो एक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है. इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया वाले यही सोच रहे हैं कि यूएस सोसाइटी और उन वो किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. तो पहली बात, इंडिया यूएस की सोसाइटी को उतना इम्पैक्ट नहीं करती है जितना हमको लगता है. प्रॉब्लम क्या है? यूएस की जो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एक स्पेक्टिकल बन जाती है पूरी दुनिया के लिए. एक तरीके का, ये सी राजमोहन नहीं लिख रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि एक तरीके का बिग बॉस चल रहा होता है. ठीक है, सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि टीवी में इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है. ठीक है, क्योंकि जैसे एक जोक भी आया था जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन था कि नो मैटर हु विंस इलेक्शन इन यूनाइटेड स्टेट्स योर प्रेसिडेंट विल स्टिल बी रामनाथ कोविंद एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट ही इज़ हाईलाइटिंग कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है दैट वी गॉट सो मच इन्वॉल्व इन यूएस इलेक्शन, हम भूल जाते हैं दैट डिसीजन इज समथिंग जो हम किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं. और यही कुछ कोशिश की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और या कुछ एक्सपर्ट, कुछ स्कॉलर्स थ्रेटन भी फील कर रहे हैं. रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि या रीज़न ये है, देखो रीज़न क्या है, रीज़न सिंपल सा ये है कि पूरी की पूरी कहानी यहाँ से ऐसे आ रही है.
कि इंडिया इंडियन गवर्नमेंट ने एक पूरे का पूरा स्पेक्टिकल कराया ह्यूस्टन में, जिसको आप कहते हैं हाउडी मोडी। वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई अब की बार ट्रंप सरकार, ओके, एंड नाउ एवरीवन इज टेरिफाइड कि अब, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रही है। अब डेमोक्रेट्स अगर पावर में आएंगे सो वो इसका बदला लेंगे। सो दिस इज़ वेयर सी राजमोहन इज़ हाईलाइटिंग कि देखो जो बाइडेन की प्लेट में ऑलरेडी बहुत कुछ है, ठीक है, इंडिया के गवर्नमेंट से बदला लेना इज़ नॉट समथिंग ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन, ठीक है। उनको चाइना को हैंडल करना है सबसे पहले, टू हेल्प विद एवरीथिंग एल्स उनको कोविड को हैंडल करना है, ओके, देयर इज़ लॉट टू हैंडल, एंड बिफोर दैट ही ऑल्सो हैड टू हैंडल डोनाल्ड ट्रंप, जो कि व्हाइट हाउस छोड़ के जाने को रेडी नहीं है। उनके फॉर जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने भी आके बोल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना दूसरा टर्म करेंगे। ऑल इन द ऑल दीज सर्कमस्टांसेस देयर इज नो चांस कि जो बाइडन विल बी एनी वेयर विल बी इंटरेस्टेड कि अरे इन्होंने फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था, उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट एनीथिंग एनी वे। वॉट इंडिया नीड्स टू बी कंसर्न अबाउट इज सम अदर थिंग्स, ओके, सम अदर थिंग्स और सम दोज थिंग्स आर हाउ टू डेवलप न्यू रिलेशन विद द अपकमिंग इनकमिंग गवर्नमेंट, इनकमिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स। ही इज़ अगेन हाईलाइटिंग कि इंडिया को एक और हमेशा खतरा रहता है कि भाई US कांग्रेस ने ये बोल दिया, US कांग्रेस ने वो बोल दिया, ठीक है। सो ही सेइंग कि US कांग्रेस में देखो 435 सीट्स होती हैं और उनकी सेनेट में 100 लोगों की सीट्स होती हैं। अब इस पूरे 535 लोगों में, ठीक है, देर आर वेरी मेनी पीपल जो इंडिया को पसंद नहीं करते, और US कांग्रेस कोई एक मोनोलिथिक बॉडी नहीं है, वहाँ पे हर ओपिनियन के लोग होते हैं, बहुत तरह के कॉकसेस होते हैं, बहुत तरह के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और हर ग्रुप अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ कुछ आर्टिकुलेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, उसमें कई लोग इंडिया के अगेंस्ट भी स्टैंड लेते हैं। एंड मोस्टली जो लोग इंडिया के अगेंस्ट स्टैंड लेते हैं वो क्यों लेते हैं, पहले दो वजह से लेते थे, न्यूक्लियर पॉलिसी और कश्मीर। न्यूक्लियर पॉलिसी की वजह से अब नहीं लेते हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स और कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स दोनों इंडिया के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट के सपोर्ट में हैं, लेकिन कश्मीर इशू को के अभी भी वो कई बार इंडिया के अपोज में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कौन खड़ा होता है, कांग्रेस के मेंबर्स, कांग्रेस की कमिटीज, ना ही यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट। एंड व्हाट इंडिया हैज टू फोकस इट विल यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट एंड नो वन एल्स, ओके, एंड दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, फाइन। नाउ पर्सनल मैनिंग द रिपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ इंडिया को ज़रूरत क्या है कि जो बाइडन के जो नए ऑफिशियल्स आ रहे हैं उनके साथ इंडिया अच्छे रिलेशन रखे। और सी राजमोहन इज सेइंग दैट इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज ऑफिशियल्स आर समहाउ हैड ऑलरेडी वर्कड अंडर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम कर चुके हैं सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इंडिया इनके साथ अच्छे रिलेशन रख सकती है, फाइन। सो दैट वॉज ऑल इन द आर्टिकल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ विद राइज ऑफ फैनेटिसिज्म नेसेसिटी ऑफ रीडिंग एंड री इन्वेंटिंग वोल्टायर इज फेल्ट मोर देन एवर, ठीक है। वोल्टायर की बात करेंगे, वोल्टायर की जब डिस्कशन हम करेंगे सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट क्या हो रहा है, किसकी बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हुए इस आर्टिकल में बहुत सारी डिटेल डिस्कशन की गई हैं, चीज़ें समझाई गई हैं विच यू नीड टू गो ऑन योर ओन। मैं आपको कुछ चीज़ें समझा सकता हूँ क्योंकि इसमें आपको वो स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे जो एज इट इज़ आप कॉपी करके अपने एसेज में लिख सकते हो, ठीक है। सो वोल्टायर ने अपनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कहाँ की थी, वोल्टायर स्ट्रिटाइज ऑन टॉलरेंस, ओके, ट्रेटाइज ऑन टॉलरेंस इन विच, देखो वोल्टायर हिमसेल्फ वॉज अ सटायरिस्ट, ओके, एंड बींग अ सटायरिस्ट ही ऑलवेज सेड ऑफ द ही वॉज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन दैट आई मे नॉट एक्सेप्ट वॉट यू आर सेइंग बट आई विल ऑलवेज अश्योर दैट यू आर गिवन द चांस टू से वॉट यू वॉन्ट टू से, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेटाइज ऑन टॉलरेंस 1763 में यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले वोल्टायर ने लिखी थी, और वोल्टायर में उसमें क्रिटिसाइज किन लोगों को किया था, क्रिटिसाइज किया था कैथोलिक्स को जो प्रोटेस्टेंट्स के अपोज स्टैंड्स ले रहे थे, ये करते हुए और लोगों को भी सपोर्ट किया था, एंड दैट्स वाई ये पूरे आर्टिकल में आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। मेक श्योर यू गो थ्रू दिस आर्टिकल बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। या अर्जुन, या US में कोविड की सिचुएशन डे पर डे खराब हो रही है, दैट्स अ रियलिटी, ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट इन द अपकमिंग डेज, ओके। सो दिस आर्टिकल्स आई विल सेपरेटली अपलोड इन द टेलीग्राम ग्रुप, मेक श्योर यू गो थ्रू इट सो यू लास्ट बी फाइन। सो दैट विल बी ऑल, एनी अदर क्वेरीज, एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन, ओके। आई हैड टू टेल यू, अच्छा, ऑपरेशन पोलो को ऑपरेशन पोलो इसलिए कहते हैं बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हैदराबाद प्रिंसली स्टेट में 13 पोलो ग्राउंड्स थे
और इतने पोलो ग्राउंड्स पूरी दुनिया में कहीं और नहीं थे एक स्टेट के अंदर, एंड दैट्स वाई इट वॉज नेम्ड ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग कब कराता है। इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग इंडिया में तब कराता है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट द कैंडिडेट हु वॉन इन द फर्स्ट पास द पोस्ट मैनर एंड द सेकेंड पर्सन द सेकेंड कैंडिडेट इज लेसर देन द नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड, ठीक है। रिकाउंटिंग कब होती है, जब जो आदमी जीता है और जो इंसान सेकंड आया है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट रिजेक्टेड से कम होता है, ओके, देन द रिकाउंटिंग इज डन, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। चलो, सो दैट विल बी ऑल फॉर द क्लास। मेक श्योर अनअकैडमी अंडरस्कोर श्वेतांग ज्वाइन कर लें। आई विल अपलोड द क्लास ओवर देयर इवनिंग 6 o'clock। देयर वोंट बी अ क्लास टुडे, देयर विल बी अ क्लास टुमारो, बट ओके, सो यू कैन अटेंड दैट सेशन। Fine, that will be all for now, and thanks a lot for attending the session. Thank you.